जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक है कि ईश्वर की, एंजल्स की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। आपके रिश्ते को लेकर ईश्वर क्या सोचते हैं? इसे मंजिल तक ले जाना है या फिर बीच में ही साइड लगाना है? क्या सोचते हैं? देखिए, आपकी क्या योजनाएं हैं ये बात अलग है, लेकिन होता तो वही है ना जो ईश्वर चाहते हैं। तो इस रीडिंग में हम यही बताएंगे कि गॉड की क्या प्लानिंग्स हैं, एंजल्स की क्या प्लानिंग्स हैं इस रिश्ते को लेकर। दो पायल दिए हुए हैं, एक पायल में है श्री कृष्णा, दूसरे पायल में है फादर जीसस। आपका झुकाव जिनकी तरफ बहुत ज़्यादा हो, जिनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उन्हें चूज़ कर लीजिए। अगर आपको इमेज चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमने नंबर्स भी दे दिए हैं। कुछ एंजल्स नंबर दिए हुए हैं, आप नंबर्स के थ्रू भी पायल चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। हमारी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, बस मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी हो गई है। हम टाइम टाइम पे सब कुछ खा पी रहे हैं, लेकिन जैसे हम रीडिंग करते हैं ना, अब तो सांस भरने लगती है, घबराहट सी होने लगती है, ऐसा लगता है कि रीडिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएंगे अगर ज़्यादा लंबी रीडिंग करेंगे। हमें पता है दो पाइल की रीडिंग करने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं, रेस्ट कर कर के रीडिंग कर रहे हैं हम, ये समझ लीजिए। आप ये बोलेंगे कि दीदी आप रेस्ट करिए, पता है क्या होता है, जिस इंसान को जिस चीज़ से खुशी मिलती है ना, अगर वो उस काम से दूर हो जाता है तो वो और भी बीमार हो जाता है। रीडिंग हमारा पैशन है, रीडिंग करने से हमें खुशी मिलती है और आप सबसे एक स्ट्रांग कनेक्शन भी बनता है हमारा रीडिंग करने से। इसी वजह से आप हमें रेस्ट करने के लिए बोलेंगे ना, तब भी हम करेंगे, हम नहीं करेंगे तो हम और ज़्यादा परेशान रहेंगे। और आप सब लोग आशीष को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप बहुत प्यार दे रहे हैं। देखिए, वो अभी ना, उसे ब्लॉगिंग करनी नहीं आती है, उसे कैमरा के सामने बोलना नहीं आता है। वो कहता है कि दीदी मुझे ब्लॉगिंग करनी नहीं आती, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलता कुछ और हूँ, मेरे मुँह से कुछ और निकलता है, मेरे शब्द इधर उधर हो जाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, सब अपने परिवार के लोग हैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें जैसा बोलना आता है तुम बिल्कुल वैसा ही बोलो। सब लोग पेट से सीख कर थोड़ी ना आते हैं, यहीं तो सीखते हैं। तो वही बोल रहा था कि सबसे बोल देना कि अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए बोलने में तो वो लोग मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। पहले तो मुझे लगता था कि ऐसे काम के लिए कौन मोटिवेशन देगा जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वाकई आपकी जो यूट्यूब फैमिली है, आपकी जो सोल फैमिली है, बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है। तो इस वजह से मैं भी इस काम को दिल से कर रहा हूँ। तो उसकी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिए, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से बहुत सारे बेजुबान जानवरों को भोजन मिलेगा। थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। लव यू ऑल, लव यू सो मच। आई होप आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज़ किया है श्री कृष्ण को और आप जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की क्या योजनाएं हैं आपके रिश्ते को लेकर, ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं आपके रिश्ते को लेकर, ईश्वर क्या चाहते हैं। इधर प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन जितना प्यार है उतनी ही कठिन परीक्षाएं भी हैं।
आपको तो पता है ना, सच्चे प्यार में बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। इधर सोल लेवल का कनेक्शन है, सोल लेवल पर प्यार है, कोई फिजिकली अट्रैक्शन नहीं है। एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्यार बहुत है, केयर बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, अनकंडीशनल लव है, परमात्मा जैसा प्यार है। कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है कि आप दोनों किसी वजह की वजह से एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं। लेकिन जितना प्यार है उतनी ही लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, उतनी ही लोग रुकावटें डालते हैं। देखिए, जहां पर ना सच्चा प्यार होता है, वहां पर कुछ बुरी आत्माएं ऐसी होती हैं, चाहे वो जिंदा हो या फिर मरी हुई हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में हो या फिर वो भौतिक शरीर में हो। सच्चे प्यार करने वालों को वो जल्दी आसानी से एक नहीं होने देती, और यहाँ पर भी सेपरेशन की स्थिति है। चलिए एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आसाओं का पानी है। जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ऐसी जिंदगी है आप दोनों की। आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत स्ट्रांग। इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है, बहुत स्ट्रांग। विथ फैमिली इशू तो भर भर के है, ढेर सारा फैमिली इशू है। पता है ईश्वर की क्या योजनाएं हैं? आज जो आप दोनों के दरमियान स्थिति है ना, ईश्वर इसे बदलना चाहते हैं। 100 बात की एक बात कहें कि ईश्वर की योजनाएं हैं आप दोनों को मिलाने की, ईश्वर की योजनाएं हैं आप दोनों को साथ करने की, लेकिन ऐसी सिचुएशन में नहीं, ऐसी सिचुएशन में नहीं जहां स्ट्रेंथ ना हो, जहां हिम्मत ना हो, जहां समाज का डर हो, जहां लोगों का डर हो, जहां अपने प्यार के लिए लड़ने की हिम्मत ना हो, जहां पर ट्रस्ट इशू हो जाए बात बात पर, जहां बात बात में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, जहां बात बात पर लोग झगड़े लगाते और आप लोग झगड़ा करने लगे। ईश्वर चाहते हैं इन सब चीजों से आपका रिश्ता मुक्त होना चाहिए।
जितनी भी डार्कनेस है, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इन सभी चीज़ों से आपका रिश्ता मुक्त होना चाहिए। आपके जो पार्टनर है ना, बहुत सोचते हैं ये। ऐसा नहीं है कि इनमें हिम्मत नहीं है, बहुत हिम्मत है, लेकिन ऐसी हिम्मत किस काम की, हाँ, जो वक्त पे काम ही ना आए। लोग कहते ना कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, ऐसा क्या वो बहुत कुछ किस काम का जो किसी के काम ना आए, जो वक्त पर काम ना आए। ऐसे ही हमेशा हेल्पलेस महसूस करना, और फैमिली इशू इतना स्ट्रांग है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी भी काम करती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कभी बगावत करने की कोशिश की हो सकता है कि आपके पार्टनर ने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन उन्हें रोक दिया गया हो। वैसे बहुत रोका गया, लेकिन जब वो नहीं रुके तो फिर ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया, और अब दोनों दूर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की जान है, दोनों एक दूसरे की जान है। बस एंजल्स चाहते हैं ना कि आप दोनों ना अपने आप को पहचानो। एक तो आपका जो रिश्ता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, इस बात से बेफिक्र रहो। जितना आप नेगेटिव सोचते हो, अगर उतना ही आप पॉजिटिव सोचते तो अब तक बहुत कुछ बदल गया होता। ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों इंडिपेंडेंट बनो। जो नेगेटिव सोल्स हैं वो तो चाहती ही हैं कि आप अपना रास्ता भटक जाओ, अपना मार्ग भटक जाओ और उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दो। ईश्वर चाहते हैं कि पहले आप दोनों अपना सोल पर्पस पूरा करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है, हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, हो सकता है कि वो जॉबलेस हो, और अगर जॉबलेस नहीं है, जो भी करते हैं उसमें उनकी कुछ खास सैलरी नहीं है, कुछ खास इनकम नहीं है। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, उनके कमाने से क्या होता है, आपको भी तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, आपका भी तो एक नाम होना चाहिए ना समाज में, कि आप हमेशा पूरी जिंदगी दूसरों के नाम से ही जाने जाओगे। इनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी बहू, उनकी पत्नी, आपकी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए कि नहीं, आप भी तो कुछ है ना। जिंदगी भर सबका टैग लगाते घूमेंगे, अपने नाम से भी तो अपनी पहचान बनाइए। ईश्वर ये चाहते हैं। इस जन्म में आपने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म का बहुत कुछ भरा पड़ा है आपके अंदर, जो आपको सितारे की तरह चमका सकता है, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानते ही नहीं है, अपने पैशन को पहचानते ही नहीं है। सबकी तरह कंफ्यूजन की स्थिति, सबकी तरह कंफ्यूजन की स्थिति। और ध्यान रखना, जब तक आप दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते ना, जब तक आप दोनों की एक खास पहचान नहीं बन जाती, जब तक आप दोनों के अंदर से ये संदेह, ये डाउट, ये शक जो एक दूसरे पे करते हो ना, ये खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक आप दोनों एक नहीं हो पाओगी। ध्यान रखना, पहले खुद को निखारना होगा। आप जो ज्वेलरी पहनते हैं, या फिर एक डायमंड ले लीजिए, आपको क्या लगता है जो रॉ डायमंड होता है वो चमकता हुआ होता है? नहीं, एक हीरे को भी चमकने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हाँ, आकार में आने के लिए, चमकने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। ऐसे ही आपको भी चमकने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, चमकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दुनिया भर के ताने बाने सुनने पड़ेंगे, तभी तो आप निखरोगे। अक्सर ऐसा होता है, जब तक लोग बिखरते नहीं है तब तक लोग निखरते नहीं है। तो बिखरने से मत डरिए, क्योंकि आप जितना बिखरेंगे उतना ही निखरेंगे, और निखरना बहुत जरूरी है। ध्यान रख लीजिए, ये जो आपके अंदर इनसिक्योरिटीज रहती है ना, जो डर बने रहते हैं ना, भय चिंता बनी रहती है, ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट इशू बहुत रहता है, मन में डाउट भरा रहता है, माइंड क्लियर नहीं रहता, इन सब चीजों को खत्म करिए, क्लियर करिए।
ईश्वर ने आपको सिर्फ इस वजह से नहीं भेजा कि भाई जाओ आप अपने मन चाहे पर्सन से शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर उनकी पोटी ओटी साफ कर लो, डायपर्स बदल लो, फिर उनको कमा कमा के खिलाने के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर दो, उसके बाद मर के फिर आ जाओ। ईश्वर ने आपको इसलिए नहीं भेजा है, ये तो सब साइड के काम है, और भी बहुत सारे काम करने आते हैं हम इस धरती पे, वो भी करिए ना, उसके लिए आए हैं आप। वो क्या है, वो क्या है, वो हम नहीं बताएंगे, वो आपकी अंतरात्मा आपको अपने आप वहां तक पहुंचा देगी। कैसे पहुंचाएगी, अब आप सोचेंगे ना कैसे पहुंचाएगी, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना होगा। फालतू की चीजें देखना बंद कर दीजिए, वो चीजें देखिए जिससे आपको कुछ मिलता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं दिन भर फालतू के वीडियो देखते रहते हैं, फालतू की चीजें देखते रहते, क्या मतलब है, कुछ मिला आपको उससे? कुछ ऐसा देखिए, कुछ ऐसा सुनिए, कुछ ऐसा पढ़िए जिससे आपको एक सीख मिले, एक शिक्षा मिले। हाँ, बेकार की चीजें देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बेकार की चीजें भी 10-15 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे हम भी देख लेते हैं, लेकिन पता है हमारा उद्देश्य क्या होता है? हम अक्सर वो चीजें देखते हैं जिससे हमें कुछ मिले। हमारा टाइम इतना फालतू नहीं है कि हम बेकार की चीजों में वेस्ट करें। हम देखेंगे, वो चीजें देखेंगे जिससे हमारा एंटरटेनमेंट भी हो, एक सीख भी मिले, एक अनुभव भी मिले। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए फालतू की चीजें देखते हैं। इतना टाइम है आपके पास, आपकी जिंदगी का एक एक दिन खत्म हो रहा है, इतना टाइम है आपके पास कि आप उसे पास करने के लिए फालतू की चीजें देखते हैं। हाँ, क्या मिला आप कौन से? कुछ लोग तो 3-3, 4-4 घंटे शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं बेवजह ही, क्या मिला आपको उससे? हाँ, कुछ मिला क्या? नहीं मिला, आपका डाटा खत्म हो गया, लेकिन आपका टाइम भी वेस्ट हो गया। इसके बदले आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ चीजें देखते तो आपकी अंतर आत्मा में भी परिवर्तन होता, आप में भी परिवर्तन होता, और उससे फ्यूचर के लिए आपको बहुत कुछ मिलता, एक नॉलेज मिलती, एक ज्ञान मिलता, एक सबक मिलता। लेकिन नहीं, फालतू की चीजें देखेंगे। तो इस वजह से ईश्वर चाहते हैं कि सबसे पहले आप आत्मिक विकास करिए, जो आप करने आए हैं। पर्सन तो मिल जाएगा, कहीं नहीं जा रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, जब तक वो उन्हें सुधारेगा नहीं तब तक ईश्वर आप दोनों को एक होने नहीं देंगे, ध्यान रखना। ऐसा बल, ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी ताकत किस काम की जो वक्त पर काम ना आए? तो ईश्वर चाहते हैं ना कि उसका सही जगह इस्तेमाल किया जाए। हाँ, और फिलहाल फालतू चीजों से मन हटा के अपने करियर पे फोकस किया जाए, उसके साथ साथ बहुत सारे नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। डेफिनेटली आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे राज छुपे रहते हैं आप दोनों के दरमियान। डरते हो आप दोनों कि कहीं उसको पता चल गया तो क्या होगा, आप भी सोचते हो, वो भी सोचता है, बहुत सारी चीजें छुपाते हो। क्या फायदा ऐसे प्यार का जहां बातें छुपी रहती हो? हो सकता है आप ना छुपाते हो, पर आपके पर्सन बहुत छुपाते हैं। ऐसा प्यार होना चाहिए कि कुछ भी बता दो, एक भी बात ना छुप सके एक दूसरे से, बिल्कुल ये हो जाए कि तुम नहीं मैं हो, आप दोनों एक हो जाओ पूरी तरीके से, कि क्या फर्क पड़ता है तुम्हें पता चले फिर मुझे पता चले, हम हैं तो एक ही ना। अभी बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, किसे चूज करें, प्यार को, परिवार को, किधर जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, कोई उम्मीद है भी या फिर नहीं है ना, पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप श्योर नहीं है, आपको खुद भी कभी कभी लगता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जब हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आप एक्शन लेंगे ना अपने प्यार के लिए, लेकिन उसके पहले कुछ बन के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। हाँ,
शादी करके बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, क्या समझ रहे हैं? कुत्ते, बिल्ली, सुअर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। वो मत करिए, उसके साथ साथ भी कुछ करिए जिससे माता पिता का भी नाम रोशन हो। शिव शक्ति को एक होना ही होना है, लेकिन उसके पहले भी तो स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करनी होती है ना। महादेव को पाने के लिए सती ने बड़ी तपस्या की थी, पता है आपको? नारद जी ने बताया था उन्हें कि आप तब तक महादेव को नहीं पा सकते जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट नहीं करते, अपनी इनर जर्नी को जब तक कंप्लीट नहीं करते। अभी बहुत कुछ अधूरा है आपकी जिंदगी में, उसे पूरा करिए। आप कहेंगे क्या क्या अधूरा है, अब पर्सनली तो हम आपको जानते नहीं है कि आपकी कमियां गिनाए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बहुत कुछ है जो बाकी है, और वो ध्यान करने से ही सामने आएगा, तभी आप उस पर काम करेंगे, तभी वो कंप्लीट होगा। आप दोनों एक होंगे, लिख कर रख लीजिए, कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तक आपके दरमियान ये सारी चीजें रहेंगी ना, जब तक आप दोनों अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप दोनों को एक नहीं किया जाएगा। क्योंकि जैसे आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट होगी, आप दोनों को वो काम मिल जाएगा जिसके लिए आप धरती पर आए हैं। बिना स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट किए हमें हमारा मकसद पता नहीं चलता, हमें हमारा सोल पर्पस समझ नहीं आता। आपको क्या लगता है, आपने जन्म लिया, आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया, किसी ने कहा कि बेटा मेरा तुम्हारा एम है डॉक्टर बनना, किसी ने कहा इंजीनियर बनना, किसी ने कहा मेरा एम है टीचर बनना, तो आपको क्या लगता है यही आपका एम है? आप ईश्वर से ये बोल कर आए थे कि मैं धरती पर जाके टीचर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा? ये तो माता पिता ने दिया होगा या फिर दुनिया को देखकर आपके मन में आया होगा। लेकिन इससे हटकर भी आपका एक एम है, आपका एक पर्पस है, वो पूरा करना है आपको। हो सकता है कि फील्ड वही हो सकती है जिस फील्ड में आप जाना चाहे, लेकिन कुछ काम है आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी के कंप्लीट होते ही ईश्वर आपको दिखाएंगे। आज आप यहां पर आए, इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? आप यूं ही आ गए, ये वीडियो आपको सजेस्ट हुआ, क्या लगता है आपको? आपने क्लिक किया है, आपने देखा है? नहीं नहीं आपको दिखाया जा रहा है। बहुत सारे टैरोट रीडर हैं, आप इस वीडियो को ही क्यों सुन रहे हैं जहां पर आपको कार्ड्स भी नहीं दिखाए जा रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं आप इतने मन से? कुछ तो है ना, कुछ तो है। इस वजह से ईश्वर की योजनाएं हैं आप दोनों को हमेशा के लिए एक कर देना, आप दोनों का हमेशा के लिए यूनियन करा देना, आप दोनों को आपका वास्तविक स्वरूप दिखाना कि आप कौन हैं। अभी आपका जो भी नाम होगा, जिस नाम से आप जाने जाते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप ये नहीं हैं, आप कुछ और हैं। ईश्वर की योजनाएं हैं आपको उससे मिलाना जो आप एक्चुअल में हैं। ईश्वर की योजनाएं हैं आपको आपकी पावर से रूबरू कराना, आपकी स्ट्रेंथ से आपको रूबरू कराना। आप पूर्व जन्म में कौन थे, कितने पावरफुल थे, कितने स्पिरिचुअल थे, कितने नॉलेजबल थे, उस पावर को फिर से जगाना, ये चाहते हैं ईश्वर। ये सब कर लीजिए, जितने भी बाधाएं हैं ना आप दोनों के दरमियान, वो खत्म हो जाएंगी। ये ब्लैक मैजिक, नेगेटिव सोल, ये सब तो बहाने होते हैं, ये सब तो बहाने होते हैं। आप अपनी इनर जर्नी कंप्लीट करिए, ये बहाने 2 मिनट में हट जाएंगे आपकी जिंदगी से, और आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप कहेंगे फैमिली इशू है, फलाना ढिमकाना, ये फलाना ढिमकाना सब किनारे हट जाता है, ट्रस्ट मी। कमिटमेंट में मिलेगा, बाकायदा शादी भी होगी, अच्छे प्यारे से बच्चे भी होंगे जो आपकी तरह नॉलेजबल होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, अपनी एक्चुअल पावर में आइए। ये जो दीनहीन भिखमंगे बने रहते हैं, ये आप नहीं हैं, आप सम्राट हैं। अपने आप को पहचानिए और टेंशन मत लीजिए। ईश्वर की योजना सिर्फ इतनी है कि आप अपनी पावर में आ जाइए,
बस आप दोनों का यूनियन रियूनियन हो जाएगा, आप दोनों को मिला दिया जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर टू, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है फादर जीसस को। आप जानना चाहते हैं कि उनकी क्या योजनाएं हैं आपके रिश्ते को लेकर। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम है हमें, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी बहुत सारे लोगों को जो हमें हमेशा सुनते हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। हाँ, तो क्या योजनाएं हैं? देखिए, इधर दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन की बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते बना लिए हैं जो उनके लेवल का नहीं है। हाँ, आप उसमें अपना लेवल ढूंढ रहे हैं, आप उस इंसान में अपना लेवल ढूंढ रहे हैं कि ये मेरी तरह क्यों नहीं है, ये मेरी तरह क्यों नहीं है, ये मेरी तरह क्यों नहीं है। और वो दूसरों में अपना लेवल ढूंढ रहा है क्योंकि वो आपको समझ नहीं सकता, वो अभी न्यू सोल है। समझ रहे हैं? वो अभी न्यू सोल है, वो आपके लेवल पर नहीं आ सकता, आप उसके लेवल पर जरूर जा सकते हैं। जैसे कि हम जब किसी छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं, बहुत छोटे बच्चे के साथ, तो वो हमें समझ सके, वो हमारी बातों को समझ सके, हमारे इशारों को समझ सके, तो हमें उसके साथ खेलने के लिए उसके लेवल की बातें करनी पड़ती है, छोटे बच्चे से बात करने के लिए, छोटे बच्चे के साथ खेलने के लिए, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कभी कि छोटा बच्चा हमारे लेवल पर आ जाए। वो तो उसको आने में तो बहुत समय लगेगा ना, आपको जाने में समय नहीं लगेगा क्योंकि आप गुजर चुके हैं उन चीजों से, तो आप उसके लेवल पर चले जाएंगे, पर वो नहीं आ सकता। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो बड़े हायर लेवल के सोल हैं, जो बहुत अनुभवी हैं, और उस इंसान के साथ आपका एज डिफरेंस भी है, आप बहुत समझदार हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत स्ट्रेंथफुल हैं, करेजियस हैं, हर तरह से, लेकिन आपने इंसान गलत चुन लिया है। और आप जानना चाहते हैं कि क्या योजनाएं हैं, भला क्या योजनाएं हो सकती हैं। ऑफकोर्स सेपरेशन, ऑफकोर्स ब्रेकअप, हाँ, नहीं खो पाएंगे आप दोनों, ईश्वर की ये योजना ही नहीं है। ये तो वही बात हुई, किसी को पढ़ाते पढ़ाते, सिखाते सिखाते कई जन्म निकाल दिए हमने। हाँ, और उसने एक लो लेवल की सोल से रिश्ते बनाए और 10-15 मिनट में वो जो सिखाया पढ़ाया था सब खत्म। आप तो इस तरह से ईश्वर के प्लान की धज्जियां उड़ा देते हैं, ये फिर उड़ा रहे हैं। आपने कितने जन्म लिए इस लेवल तक पहुंचने के लिए, कितने जन्म लिए इतना कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक ओल्ड सोल बनने के लिए इंसान कितने जन्म लेता है, कितने अनुभव पाने के लिए, और फिर एक ओल्ड सोल एक न्यू सोल से रिश्ते बना ले और उससे उम्मीदें करे कि वो मुझे समझे, तो ये फिर कहाँ हो सकता है। तो गलत फहमी है ना आपकी, वो कहाँ से समझ सकेगा, उसने जिया ही नहीं है इस जन्म में, तो क्या किसी जन्म में नहीं। किसी ऐसे पर्सन के साथ बहुत सारे लोग रिश्ते में हैं और वो बंदा बार बार उन्हें चीट करता है, बार बार धोखा देता है, थर्ड पार्टी इशू बड़ा स्ट्रांग है, इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं होती। क्यों होगी इक्वल गिव एंड टेक जब वो आपको समझता ही नहीं है, आप ऐसी बातें करते जो उसके सर के ऊपर से निकल जाती हैं। हाँ, आप उससे आत्मा के प्रेम की उम्मीद करके बैठते हैं, वो क्या जाने आत्मा का प्रेम, वो तो यही प्रेम जानता है जो आजकल दुनिया में चल रहा है, वो तो इसी प्रेम के बारे में जानता है।
बताइए किसकी गलती है? और फिर अब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या योजनाएं हैं। वाह वाह वाह। अच्छा बताइए, क्या वो पर्सन इंडिपेंडेंट है? नहीं है ना, बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है वो, आपके प्यार को नजरअंदाज करता है, दूसरों के पीछे भागता है, इग्नोर करता है आपको, दूसरों को प्रायोरिटी देता है, आपको कुछ भी नहीं समझता। प्रकृति का यही नियम है, जिसके पीछे आप भागोगे वो आपसे दूर भागेगा। किसी को पाना चाहते हो तो इग्नोर करना शुरू कर दो, एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी और वो आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। हाँ, आसानी से मिली हुई चीजों की लोग इज्जत नहीं करते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर इंसान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर इंसान हो। अपने आप को इतना सस्ता क्यों बना रखा आपने? हैं, क्यों सस्ता बना रखा आपने? अगर चाहते हो ना जिंदगी में खुश रहना, तो तरीके से चलो। अपने रिश्ते में एक मिस्ट्री हमेशा बना के रखो, जिससे सामने वाला इंसान हमेशा आप में इंटरेस्टेड हो। हम देखते हैं लोगों की नई नई दोस्ती होती है, फिर क्या वो जब तक बूंद बूंद की बातें नहीं कर लेते ना, मतलब कुछ बाकी ना रहे, तब तक कम से कम 1 महीने लगातार दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात लगे ही रहते हैं। क्या बातें करते हैं भाई, दिन रात बातें करते हैं, बातें खत्म नहीं होती। फिर एक समय आता, बातें खत्म हो जाती हैं, फिर प्रेम सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाता है, फिर शारीरिक बातें होती हैं, फिर एक समय पर वो भी खत्म हो जाता है भाई। सामने वाले का मन भर गया, अब क्या करोगे? फिर कहोगे कि तुम तो बदल गए, आपने ही तो बदला है, तरीके से चलो। तो इस रिश्ते की तो कोई कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, ये समझ लीजिए। इसके लिए एंजल्स ने कोई प्लानिंग नहीं किया है। आप चाहे रोएं, चाहे गाएं, चाहे कुछ भी करें, इस रिश्ते में कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, तुलना बहुत ज्यादा है, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। इस वजह से ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने लेवल का इंसान मैनिफेस्ट करें। आप इस टाइम पर सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत धोखे मिले हैं, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती, फैमिली इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, लेकिन आप उस इंसान के लिए मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। मैं क्या करूं, कैसे पालूं, क्या करूं, कैसे पालूं? ईश्वर चाहते हैं कि आप न्यू बिगनिंग करें अपनी जिंदगी की, एक नई शुरुआत करें, और कुछ मत करिए, ना उसे पाने के लिए ना उसे भूलने के लिए, बस मेडिटेशन करिए। जो आपके लिए बना है वो आपकी जिंदगी में अपने आप आ जाएगा, ये तो नहीं बना आपके लिए डेफिनेटली। आपका इससे एक आकर्षण जरूर हो सकता है, लेकिन बराबरी का प्यार नहीं है इधर, कि अंतरात्मा का प्यार हो, नहीं, इधर अंतरात्मा का प्यार नहीं है, इधर सिर्फ लेन देन चल रहा है व्यापारियों के तरीके। ईश्वर की योजनाएं हैं किसी न्यू पर्सन को लेकर आपके साथ। आपकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन आएगा जो आपका सोलमेट होगा, जो फायर साइन का होगा, उसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, स्टेबल होगा, उसकी एज बताते हैं हम आपको, उसकी एज आपके बराबर ही होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो 30+ होगा, 30 साल से ऊपर होगा, समझ रहे हैं? इतनी होगी उसकी एज। ईश्वर चाहते हैं कि अभी आप अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में सोचें, अपनी पावर पोजीशन के बारे में सोचें,
अपना नाम खराब मत करिए, थोड़ा सा सोचिए। आपने जो इज्जत कमाई है ना इतने दिनों में, वो धूल के रह जाएगी। और फिर ऐसे इंसान के लिए इज्जत धुलवाने का क्या मतलब जो आपको समझता ही नहीं है? हाँ, क्यों नाम खराब कर रहे हैं आप अपना? ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ईश्वर की योजनाएं हैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने की जो आपके जैसा हो, जो आपके जैसा हो, जो हर तरह से आपको समझता हो, जो आपका लेवल नीचे ना गिराए ऊपर उठाए, जो आपका सम्मान नीचे ना गिराए ऊपर उठाए। ऐसा इंसान सब्र के साथ मिलेगा। सोच रहे होंगे ना कब मिलेगा? सब्र के साथ, और सब्र करिए। तो कुछ लोगों के लिए तो ये कंडीशन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती है। हमेशा आपको कंपेयर किया जाता है दूसरों के साथ, हमेशा आपको नीचा दिखाया जाता है। आपकी जिंदगी में कोई प्यार नहीं है, कोई खुशियां नहीं है, बस जिंदगी आप रो रो के जी रहे हैं। जी नहीं रहे हैं, जबरदस्ती जैसे जिंदगी ढोते हैं ना। आपका मन करता है कभी कभी कहीं दूर चले जाएं। क्या होगा दूर जाकर? कुछ नहीं होगा। कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी, आप उनसे भाग नहीं सकते। आपकी लाइफ में कंप्लीशन नहीं है, संपूर्णता नहीं है। सबकी जिंदगी जब आप देखते हो और अपनी जिंदगी जब आप देखते हो, तो आपको लगता है क्या है ये? तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो बहुत इमेच्योर है, बहुत इमेच्योर है। अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ ही आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए। सिर्फ इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचिए। ईश्वर की योजनाएं हैं कि वो आपको अभी हाल फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, आपको कोई ऑफर देंगे, वो आप उसे एक्सेप्ट कर लेना और अपने करियर के लिए जी जान लगाकर मेहनत करना। सक्सेस होने के बारे में सोचिए। हस्बैंड या वाइफ के पीछे मत भागिए। आप जिनके पीछे भाग रहे हैं ना, जब आप सफल हो जाएंगे तब वो आपके पीछे भागेंगे। हाँ, तो एक्शन लीजिए इंडिपेंडेंट होने के लिए। लाइफ बर्बाद मत करिए। कभी कभी लोग ना जिद में क्या करते हैं कि तुमने किसी और से कर लिया, हम किसी और से कर लेंगे, क्या होगा? जिंदगी बर्बाद करना, टाइम बर्बाद करना। बदला मत लो, बदल जाओ। इतना बदल दो खुद को, इतना बदल दो कि सामने वाला पहले की तरह देखने के लिए तरस जाए। और आपको पता है, आज की दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है। जो लाइफ में सक्सेस है, जिसको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, फिर उसके पीछे वो भी भागता है जो आज इग्नोर कर रहा है। अपने आप को इतना बदल दो कि जो आज आपको इग्नोर कर रहा है ना, कल आपसे बात करने के लिए तरस जाए। उसके बाद फिर आप हमसे बात करना कि क्या अब भी इंसान आपको चाहिए। अभी आप उसके पीछे भागोगे, वो आपके पीछे नहीं भागेगा, वो आपको इग्नोर करेगा। अभी आपसे ज़्यादा उसके लाइफ में और चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं, मायने रखती हैं। अभी आप कुछ भी नहीं हैं। हाँ, अभी आप कुछ भी नहीं हैं, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। न्यू बिगनिंग करो अपनी जिंदगी की, नई शुरुआत करो अपनी जिंदगी की। रोना धोना बंद करो, रोना धोना बंद करो। बस कसम खा लो कि कुछ करके दिखाओगे, कुछ बन के दिखाओगे। तोड़ दो सारे बंधनों को। जो बंधन आपको आगे बढ़ने से रोकता है, उस बंधन को तोड़ दो। देखना
क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप कुछ बने, ईश्वर नहीं चाहते कि आप दूसरों के मोहताज रहें। हाँ, अच्छा लगता है वो जिंदगी जीना, अच्छा लगता है जिसमें आप दूसरों के मोहताज रहें। खुद की पहचान बनाइए, खुद का व्यक्तित्व बनाइए, अपनी एक अलग पर्सनालिटी बनाइए। आप मेहनत तो करिए, समय आपका साथ देगा, वक्त आपका साथ देगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ट्राई किया हो, आपको फेलियर का सामना करना पड़ा हो, आपको असफलता का सामना करना पड़ा हो। वो समय कुछ और था, वो दौर कुछ और था, पर अब कुछ और है। यही तो ईश्वर हमारे द्वारा आपसे कहना चाहते हैं। आज आप इस वीडियो तक आए हैं तो यूं ही थोड़ी ना आए हैं। ईश्वर यही तो बताना चाहते हैं आपसे, यही तो समझाना चाहते हैं आपको कि अब आप अपने करियर में आगे बढ़िए। आपका जो भी पैशन है, आप जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लीजिए। अब वक्त आपका साथ देगा, किस्मत आपका साथ देगी, ईश्वर आपका साथ देंगे। और फिर देखना, यही इंसान आपके पीछे पीछे घूमेगा। सेल्फ लव करिए, क्यों मर रहे हैं किसी और के लिए? खुद से प्रेम करिए। जब हम खुद से प्रेम करते हैं ना, तो दुनिया हमसे प्रेम करती है। जब हमें ही खुद से प्रेम नहीं होता, तो कोई और हमसे प्रेम क्यों करेगा? इमोशंस को कंट्रोल करिए, बहुत इमोशनल हैं आप, छोटी छोटी बातों में बह जाते हैं, भावनाओं में ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पर। नहीं, स्ट्रिक्ट बनिए, रूड बनिए, प्रैक्टिकल बनिए। और उस बंदे को इग्नोर करिए, इग्नोर करिए उसे जो अभी आपको कर रहा है। अगर आपसे दूर है ना, तो ब्लॉक कर दीजिए। अंदर से चाहे कितना भी रो लेना, लेकिन ऊपर से रो कर मत दिखाना। आप उसके लिए रो रहे हो, आप उसके लिए परेशान हो, आप उसके लिए मरे जा रहे हो, नहीं। और अगर ब्लॉक नहीं कर सकते ना, तो अभी से कसम खा लो कि कभी भी सैड स्टेटस नहीं लगाओगे। रोमांटिक स्टेटस लगाओ, मोटिवेशन वाले स्टेटस लगाओ। हाँ, देखना आग लग जाएगी उधर। कि जो इंसान कहता था कि मैं तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकती, सांस नहीं ले सकता, वो आजकल मेरे बिना खुश कैसे है? उसे दिखाओ कि आपकी खुशी उसकी मोहताज थोड़ी है। उससे जुड़े जो लोग हैं, जो आपके भी दोस्त हैं, उसके भी दोस्त हैं, अगर वो कभी उसकी बात करे, तो आप उसकी बात मत करो, इग्नोर करो। बोलो कि मुझे उसकी कोई बात नहीं करनी है। कौन है ये? कौन है ये? मैं नहीं जानती उसको, मैं नहीं जानता उसको, कोई और बात करो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बात करने में। और कभी भी ऐसे किसी इंसान से उसका दुख मत रो कि वो मुझसे बात नहीं कर रही, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी जान निकली जा रही है। बस वो आपकी अटेंशन ही तो चाहता है, और आप उसे दे रहे हो। अटेंशन मत दो, फुल्ली इग्नोर करो। कौन है ये? मैं तो नहीं जानती इसे, मैं नहीं जानता इसे। देखो कैसे ईगो हर्ट होता है। और बस अपनी लाइफ पर ध्यान दो, उस पे, उसके ऊपर आंखें मत लगाओ। किससे बात कर रही है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, इतना टाइम नहीं है फालतू का। कोई अगर उसकी बात करता भी है ना, तो उसकी बात सुनो ही मत, करो ही मत। तब देखना कितना बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ईश्वर स्पेशली यही चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बने, आप इस नर्क की जिंदगी से बाहर निकलें, आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, तभी आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव हो सकेगा। अगर आप इसी तरह रहेंगे ना, तो ध्यान रखना आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे कि ईश्वर की क्या योजनाएं हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो,
आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।